जय भोले की। वेलकम टू द फोर्थ एपिसोड ऑफ कावड़ यात्रा। और अभी हम लोग यहाँ से जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, नहा धो के रेडी हैं सब सारे लोग। और जो है बस निकलते हैं यहाँ से, धारावाहा मंदिर में रुके हुए थे, काफ़ी बढ़िया मंदिर है। और हमारे साथ में बने हुए हैं विक्की भोले, जो कि नहा धो के बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। और अब निकलते हैं यहाँ से, थोड़ी देर में चाय वाय पीते हैं, थोड़ा सा फ्रेश हो जाते हैं, फिर निकलेंगे यहाँ से। अभी प्रकाश बोलते हैं कहाँ के लिए निकल रहे हैं हम। अभी हमारा जो पहला स्टॉप रहेगा कोठीरा चौकी, फिर उसके बाद दिन का पड़ाव रहेगा आपका रेंज ऑफिस झरना। अच्छा, और जो रात को हमारा कान्या या फिर हिम्मतपुर, कान्या या फिर हिम्मतपुर। और फिर उसके बाद कलम निकलेंगे अपने गलकंटेश्वर महादेव शिवालय के लिए ढिकुली के, और वहाँ हम लोग 12 बजे के आसपास, 12-1 बजे करीब पहुँच जाएंगे, और फिर वहीं मिलेंगे आप लोगों से, मिलते हैं आगे। तो गाइज, अभी हम लोग हैं यहाँ पे बरगद के पेड़ के नीचे, और आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे कितने सारे बरगद के पेड़ हैं। और ये ज़्यादातर पेड़ नहीं है, इनकी जो लताएं हैं ये नीचे पहुँच करके खुद से पेड़ बन चुके हैं। और पिछले साल तक तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा थे, बट इस बार देखिए आप लोग जो है पूरी सफाई कर दी है इधर, और अभी बहुत कम है। पीछे बंदर भी खेल कूद कर रहे हैं, और बस कुछ फोटोज वोटोज लेते हैं यहाँ से और निकलते हैं। निकलने के लिए सारे रेडी हो चुके हैं, कांवड़ की पूजा कर ली है, बस निकलते हैं यहाँ से। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं यूके और यूपी बॉर्डर चौकी पे, और जो है ये जो है बॉर्डर चौकी है, इधर इस तरफ यूपी की चौकी है, ये यूके की है, और यहाँ पर एंट्री गेट है। सो कुछ इस तरीके का यहाँ पर कोऑर्डिनेशन है दोनों यूपी और यूके का, आप लोग देख सकते हैं। पिछली बार हम यहाँ पे भी रुके थे एक बारी, बट आज यहाँ पर नहीं रुक रहे, आमनगढ़ टाइगर रिजर्व। बोले कि देखिए मुर्गी, इसमें कुछ जंगली भी है, जंगली भी है ना इसमें कुछ। गाइस, अभी हम लोग रुके थे कोठीरा चौकी पे, और यहाँ पे हमें मोहन उपाध्याय जी मिले, जिन्हें काफी साथ दिया हमारा और काफी सेवा करी। और यहाँ से अभी हम लोग सब रेडी हो चुके हैं निकलने के लिए आगे, और चलते हैं। अभी हमने रेंज ऑफिस के आगे एक चौकी है, वहाँ पे रुकना है। क्या नाम है क्या बोले उस चौकी का? लालडांग चौकी पे रुकेंगे, फिर वहाँ से सीधे सावल दे। अभी हम लोग ले रहे हैं अपना भोजन, और कड़ी चावल बिल्कुल रेडी है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हमारा कड़ी चावल है मस्त, और प्रकाश भोले भोजन का आनंद ले रहे हैं। प्रकाश भोले बताइए जरा, टेस्टिंग तो करिए कैसा हो रहा है? आनंद हो रहा है, आनंद हो रहा है। गाइस, अभी हम लोगों ने अपना भोजन कर लिया, और हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं ठेला के लिए, और ठेला में मिलता हूँ, हो सकता है रास्ते में कोई साइटिंग हो जाए तो आप लोगों को भी दिखाऊंगा, मिलते हैं आगे। गाइस, अभी हम जो है ठेला से निकल चुके हैं रामनगर की ओर, और अभी लोग हम लोग सावल के आसपास कहीं पे, तो मिलते हैं आगे। अभी हम लोग ठेला पे, आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे जो है ठेला का नाला, ये फील्ड है। ये देखिए गाइस, अभी हम लोग हैं ठेला नाले पे, और किसी तरफ का जंगल है इधर ऐसा। आप लोग कभी आए होंगे ठेला तो आपने देखा होगा। निकलते हैं अभी यहाँ से आगे सावल की ओर। अभी 5 किलोमीटर का जंगल हमें और पड़ने वाला है, उस बीच में तो कोई साइटिंग नहीं हो सकता, आगे कोई साइटिंग हो जाए तो देखते हैं क्या होता है। गाइस, अभी हम लोग पहुँच चुके हैं सावल पुल पर, और पीछे से आप लोग देख सकते हैं कितना बढ़िया व्यू आ रहा है सनसेट का, और बस निकल रहे हैं हम लोग यहाँ से आगे। थोड़ा सा आगे हम लोग का स्टॉप है आज का, तो वहीं रुकेंगे, कल निकलेंगे ढिकुली के लिए वापस। सो जय बोले, तो देख सकते हैं, मैं आप लोग दिखाता हूँ यहाँ का व्यू, कुछ इस तरीके का सावंत पुल है। ये अभी रिसेंटली नया नया बनाया, 2-3 साल ही हो रहे हैं इसको, और देख सकते हैं आप इधर पूरा कितना बड़ा रपटा है, पूरा रपटा आता था तो इस वजह से बनाना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी हो गया था। तो देख सकते हैं इतना बढ़िया व्यू है यहाँ का, मिलते हैं यहाँ से आगे आप लोगों से। गाइस, अभी हम लोग रात का भोजन कर रहे हैं, और मट्टे भोले हमें देख के बड़ा शर्मा रहे हैं, भोजन करते हैं फिर जाते हैं शाम को भोजन निकलना, और मैं आपको भोजन दिखाता हूँ। ये हमारा भोजन है, भोजन करते हैं फिर निकलते हैं। जय भोले की, गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप सब लोग बढ़िया होंगे। और आज का हमारा 5वां दिन है कांवड़ यात्रा का, 4 दिन हो गए वैसे चलते चलते, बट 5वां दिन इसलिए भी क्योंकि हम 23 तारीख को जो है घर से निकल चुके थे, और आप लोगों के पास होप करता हूँ कि कंटिन्यू मेरे ब्लॉग्स पहुँच रहे होंगे। और कल रात हम लोग रुके थे हिम्मतपुर में, और हमारी सारी व्यवस्था देरी थी, हम लोग पीछे रुके थे यहाँ पंचायत घर पे, और यहाँ से अभी हम लोग निकल रहे हैं रामनगर के लिए। पहले हमारा स्टॉप रहेगा आमडंडा, आमडंडा के बाद फिर हम लोग रुकेंगे रामनगर के लिए, ढिकुली के लिए। ढिकुली हमारे गलकंटेश्वर महादेव का टेम्पल है, वहाँ पर रुकेंगे हम लोग, और अभी बढ़ते हैं यहाँ से थोड़ा सा आगे। और साथ में सारे भोले रेडी हो चुके हैं, और प्रमोद भोले भी जो है नहा धो के बिल्कुल रेडी हैं, गणेश भोले भी नहा धो के रेडी हो चुके हैं, और ये हमारा वाहन है पीछे। बस अब अभी हम लोग थोड़े से कपड़े वपड़े सुखा रहे हैं अपने, और निकलते हैं बस यहाँ से आगे, फिर मिलता हूँ आप लोगों से। कुछ इस तरीके का है मॉर्निंग का व्यू,
हिम्मतपुर का, और सामने ये जो है पंडाल लगा हुआ है, यहाँ पर हम लोग रुके हुए थे क्योंकि तो हम लोग आ गए थे, खाना पीना हमारा इधर ही था। आप लोग देख सकते हैं काफ़ी प्यारी जगह है, और यहाँ पर हमारा कल रात का स्टे था। और बस निकलते हैं यहाँ से, बस सारे वो लोग को लेने चल रहे हैं, उनको लेके आते हैं फिर चलते हैं यहाँ से। अभी हम लोग जो है सारे हिम्मतपुर से निकल चुके हैं रामनगर की ओर, कांवड़ियों की टोली, और देख सकते हैं पीछे सारे कांवड़िये जो है हमारे साथ चल रहे हैं, काफ़ी मज़ा आ रहा है। अभी हम लोगों ने अपना प्रसाद ले लिया है और अभी यहाँ से निकल रहे हैं। हम पहुँच चुके हैं रामला स्ट्रीट के पास में कान्या में, और निकलते हैं यहाँ से आगे और मिलते हैं आमडंडा में आप लोगों से। गाइस अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं बस आमडंडा धारे पे हैं, और नीचे का पंपापुरी का व्यू आप लोगों को दिखाता हूँ। इसमें थोड़ा सा साफ नहीं आ रहा है, बट नीचे पंपापुरी है। हम लोग पहुँच चुके हैं धारे पे, और अभी आमडंडा हमारा थोड़ा सा रेस्ट रहेगा तो आमडंडा रुकते हैं, फिर मिलता हूँ आप लोगों से आगे। अभी हम लोग रुके हैं आमडंडा बिरयानी गेट पे, और अभी हम लोग जो है थोड़ा सा यहाँ पे भोजन हुए हैं। भोजन वैसे जो है मतलब से करके आए थे, बट थोड़ा सा यहाँ पर हम लोगों ने फिर भोजन किया है, देखो हमारा जो है यहाँ पे सबूत बचे हुए हैं, हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। फाइनली यहाँ से हम लोगों ने अपनी यात्रा स्टार्ट करी थी गलकंटेश्वर महादेव के टेंपल से, वहीं पे मैं जो है अभी पहुँच चुका हूँ। और नीचे आप लोग देख सकते हैं हमारा सामान उतर रहा गाड़ी से, हमारे वाहन से, और सारे भोले जो है आगे आगे चल रहे हैं। तो जो है अभी हम लोग निकल रहे हैं महादेव के टेंपल को, बस पहुँचने वाले हैं। कन्नु भोले भी साथ में हैं, मुक्कू भोले हैं, प्रमोद भोले हैं, और बाकी भोले जो है नीचे सामान लेके आ रहे हैं। तो गाइस अभी फाइनली हम लोग पहुँचने वाले हैं मंदिर के पास में, मिलते हैं आगे। तो गाइस देखिए यह है पीछे हमारा महादेव का मंदिर, और मिलता हूँ मिलाता हूँ आप लोगों को आगे सब लोगों से, मज़ा आ गया। सो गाइस यह है हमारे गलकंटेश्वर महादेव की मूर्ति, और अभी हम लोग पहुँच चुके हैं मंदिर में, फाइनली कन्नू भोले पहुँच चुके हैं। तो काफ़ी सुखपूर्ण ये यात्रा रही, कोई दिक्कत नहीं हुई रास्ते में, ना किसी को कोई दिक्कत हुई। सो भोलेनाथ को हम लोग दिल से थैंक्स कहना चाहेंगे कि इतनी बढ़िया यात्रा हमारी जो है सही से हो गई, और कोई दिक्कत नहीं हुई किसी को, हम लोग भी बिल्कुल फिट एंड फाइन है, वेल एंड गुड, और सब बढ़िया रहा। सो मिलते हैं आगे। गुड मॉर्निंग गाइस, जय होले की, वेलकम टू द सेम एपिसोड ऑफ कावड़ यात्रा 2022 एपिसोड 5। क्योंकि दो तीन दिन से मैं क्या हो रहा था कि दो ब्लॉग जो है लंबे नहीं हो पा रहे थे, तो मैं सोच रहा था कि तीनों ब्लॉगों को एक साथ जो है ऐड करके एक ही ब्लॉग डाल दूँ शिवरात्रि के दिन, सो शाम तक ब्लॉग भी आ जाएगा। सो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ बाहर की आरती का दृश्य, और अभी घर वाले आए नहीं हैं, आते हैं उसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे घर को। और अभी तो मंदिर में रुके हैं, रात हम लोग मंदिर में रुके थे, प्रसाद भी नहीं लिया था। तो मिलते हैं आगे। गाइस अभी हम लोग निकल चुके हैं मंदिर से घर की ओर, और पूजा अर्चना हम लोगों ने जल सब कुछ चढ़ा लिया है, और साथ में मम्मी और पंगू है, और निकलते हैं यहाँ से घर को। और कावर हम लोगों ने अपनी खोल के रेडी कर लिया है, और फिर निकलते हैं घर को, मिलते हैं आगे।